हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास प्राइवेट टू व्हीलर है और प्राइवेट अगर कार है और अगर हम उसके इंडिविजुअल ओनर हैं, उसके बाद अगर हमारी व्हीकल पर कोई क्लेम अगर आ जाता है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के टाइम सबमिट करने पड़ते हैं। क्योंकि जो हमारा व्हीकल है वो कई फॉर्म में रजिस्टर्ड हो सकता है, जैसे कि व्हीकल है किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम पर भी रजिस्टर्ड हो सकता है, व्हीकल है जो किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर भी रजिस्टर्ड हो सकता है, व्हीकल है जो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से और लिमिटेड कंपनी के नाम से भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो जो ये फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स के अंदर अगर व्हीकल रजिस्टर्ड है तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे क्लेम के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स जो बदल जाते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास प्राइवेट कार है और प्राइवेट मोटरसाइकिल है और उसके अगर आप इंडिविजुअल ओनर हैं, यानी कि सिंगल ओनर है, किसी फर्म पर नाम पर व्हीकल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसके इंडिविजुअल ओनर हैं, उसके बाद अगर आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आ जाता है तो आपको उस टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के टाइम पर सबमिट करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट है कंप्लीट फिलअप द क्लेम फॉर्म, यानी कि जब भी हमारे व्हीकल पर कोई क्लेम आता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम फॉर्म कंप्लीट फिल करके हमें इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी व्हीकल की डिटेल्स, आपकी खुद की डिटेल्स यानी कि इंश्योर्ड की डिटेल्स और डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट कि एक्सीडेंट है वो कहाँ पर हुआ है, किस दिन हुआ है, क्या टाइम था, क्या लोकेशन थी, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स हमें क्लेम फॉर्म के अंदर भर के इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फॉर्म सबसे पहले सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ व्हीकल, यानी कि जो आपका व्हीकल है उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि बीमा हमें इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो व्हीकल की जो आरसी है, आरसी बुक जिसको हम बोलते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अकॉर्डिंग टू व्हीकल। अकॉर्डिंग टू व्हीकल का मतलब है कि अगर आपके पास आपका टू व्हीलर एक्सीडेंट हुआ है तो आपको टू व्हीलर के लिए जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर केसेज में आपको सबमिट करना पड़ता है। और अगर आपकी प्राइवेट जो कार है, अगर आपकी कार एक्सीडेंट हुई है तो आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस केस में लाइट मोटर व्हीकल जिसके अंदर मेंशन होता है वो लाइसेंस आपको सबमिट करना पड़ता है। कई उसके बाद है पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ इंश्योर्ड। कई बार क्या होता है कि जो हमारे टू व्हीलर होते हैं उनका अगर रिपेयरिंग एस्टीमेट यानी कि उनको रिपेयर करने का अगर अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर चला जाता है, उस केसेस के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योर्ड से यानी कि जो ओनर होता है उससे उसका पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड मांग लेती हैं। और अगर आपका जो कार है अगर उसका रिपेयरिंग अमाउंट 1,00,000 से ऊपर चला जाता है, यानी कि उसको रिपेयर करने का खर्चा है 1,00,000 से ऊपर चला जाता है, उस केसेस में इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट कार के केसेस में इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योर्ड से उसका पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड मांग लेती हैं। उसके बाद है एड्रेस प्रूफ ऑफ इंश्योर्ड। एड्रेस प्रूफ ऑफ इंश्योर्ड का मतलब ये है कि अगर आपका हो सकता है कि आपके पास जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और जो आपका आधार कार्ड है ये दोनों के जो एड्रेस होते हैं, क्योंकि पैन कार्ड पर तो एड्रेस होता नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड और लाइसेंस का जो एड्रेस होता है वो आपके रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आपने व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करवाया था, अगर उस रजिस्ट्रेशन एड्रेस के साथ अगर आपका आधार कार्ड का और लाइसेंस का अगर एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, उस केसेज में आपको फिर एक अलग से आपका एड्रेस प्रूफ है इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में आपका जो हो सकता है पासपोर्ट भी आ सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड भी आप अपने एड्रेस प्रूफ के अंदर उसको दे सकते हैं। आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका राशन कार्ड है, तो आप इनमें से किसी भी एक प्रूफ को अपने एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद है पुलिस FIR इफ़ रिक्वायर्ड। FIR की रिक्वायरमेंट, अगर आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी पर्सन को कोई इंजरी हुई है, थर्ड पार्टी पर्सन की अगर आपके व्हीकल से डेथ हो जाती है, थर्ड पार्टी पर्सन की अगर आपके व्हीकल से उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, आपका व्हीकल है वो चोरी हो जाता है, ऐसे कई सारे केसेज होते हैं जिसके अंदर आपको पुलिस FIR की रिक्वायरमेंट होती है। हर केसेज के अंदर आपको पुलिस FIR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब क्या होता है कि अगर आप जो फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, ये जो पार्टियां होती हैं और जो इनके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सजेस्टेड वीडियो में जाके आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है वो क्या होती है और कैसे हमें उसमें पुलिस FIR की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर हमें पड़ सकती है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर समझ में आ जाएगी। उसके बाद है रिपेयर एस्टीमेट फ्रॉम गैराज। जब आपका व्हीकल है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो डीलरशिप, जिस डीलरशिप पे आप अपने व्हीकल को छोड़ते हैं, सर्विस स्टेशन पे छोड़ते हैं या कोई गैराज है उस पर अगर आप छोड़ते हैं, तो उसके बाद जो गैराज पॉइंट जो पर्सन वहाँ पर होता है वो आपके व्हीकल का एक एस्टीमेट बनाता है कि इसको रिपेयर करने का खर्चा है वो लगभग इतना आएगा, एक असेसमेंट करता है, एक एस्टीमेट की उसको बनाता है, वो रिपेयर एस्टीमेट है वो इंश्योरेंस कंपनी को हमें क्लेम के टाइम पर सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये तीन डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि अगर आपका जो क्लेम है वो कैशलेस क्लेम है, कैशलेस अगर आपका जो क्लेम है अगर वो कैशलेस क्लेम के अंदर सेटलमेंट होता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक रिपेयर एस्टीमेट फ्रॉम गैराज, यहाँ तक आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अगर आपका जो क्लेम है वो कैशलेस क्लेम के अंदर सेटलमेंट नहीं होता है, यानी कि वो नॉन कैशलेस क्लेम के अंदर वो क्लेम आपका जो आता है, उसके बाद आपको ये तीन डॉक्यूमेंट्स है जो एडिशनल इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं। क्या क्या है? प्रॉपर इनवॉइस ऑफ रिपेयर, यानी कि जो आपका जो व्हीकल को रिपेयर करने के बाद जो आपका फाइनल बिल बना था उस फाइनल बिल को इंश्योरेंस कंपनी को आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके ऊपर आपके डीलर के जो डीलर पर्सन होता है वहाँ पर डीलर की जो स्टैम्प है वो वहाँ पर लगी होनी चाहिए, डीलर के वहाँ पर सिग्नेचर साइन होने चाहिए उस बिल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जबकि अगर आपने जो व्हीकल है आपने रिपेयर करवाया है, रिपेयर करवाने के बाद आपने उसका जो फाइनल बिल बना था, फाइनल बिल आपने डीलर को पे किया हुआ है, ये जो आपका फाइनल बिल बना था वो टोटल बिल आपने डीलर को पे किया, डीलर को बिल पे करने के बाद आप वहाँ से जो आपने पेमेंट की है उस पेमेंट की आप एक रिसिप्ट लेते हैं, उस रिसिप्ट के ऊपर भी डीलर का जो क्या है कि स्टैम्प लगी होनी चाहिए और वहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए कि आपने जो आपका व्हीकल रिपेयर हुआ था उस रिपेयर का जो फाइनल बिल बना था वो फाइनल बिल आपने डीलर को पे कर दिया है और ये उसकी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट भी इंश्योरेंस कंपनी के पास होनी चाहिए। उसके बाद है कैंसिल चेक ऑफ इंश्योर्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट, यानी कि जब आप अपना नॉन कैशलेस क्लेम सेटलमेंट करते हैं तो अगर आप उसके बाद आपको एक कैंसिल चेक भी इंश्योरेंस कंपनी को आपके नाम से, आपके अकाउंट का, आपके नाम का, आपको एक इंश्योरेंस कंपनी को एक कैंसिल चेक सबमिट करना पड़ता है। कैंसिल चेक सबमिट करने का मतलब ये है कि जो आपने वहाँ पर फाइनल पेमेंट की थी उसमें से इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो डिडक्ट कर लेती है और जो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करने की जो इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी बनी थी वो जो अमाउंट है जो आपने वहाँ पर पहले टोटल पे किया था वो अमाउंट आपका लेस करके आपको आपके अकाउंट में NFT के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी आपको उस क्लेम की पेमेंट कर देती है। ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपका जो क्लेम है वो नॉन कैशलेस सेटलमेंट होता है उस केसेस में आपको ये तीन डॉक्यूमेंट्स और अलग से एडिशनल सबमिट करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप कैशलेस क्लेम क्या होता है, नॉन कैशलेस क्लेम क्या होता है, कैशलेस पॉलिसी, नॉन कैशलेस पॉलिसी और कैशलेस क्लेम का क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको फॉलो होता है और नॉन कैशलेस का प्रोसेस है वो कैसे क्या होता है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, ये जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सजेस्टेड वीडियो में जाके कैशलेस पॉलिसी और नॉन कैशलेस पॉलिसी क्या होती है उस वीडियो को आप जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें क्लेम के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं हमारे क्लेम सेटलमेंट के लिए,
ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लेम डॉक्यूमेंट्स हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किस टाइम पर हमें किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर वो रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हम आपको वहाँ पर रिप्लाई, आपका क्वेश्चन के, आपकी क्वेरी का रिप्लाई हम आपको वहाँ पर ज़रूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।